वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक एनेक्सी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने से लेकर न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित और भी कई फैसले लिए गए। फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 25% सीटें प्रमोशन के आधार पर भरी जाएंगी, तो ये बाकी बची 3/4 भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी। राज्य के युवाओं को जल्द ही इन रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। बैठक में इसके अतिरिक्त कुल 14 प्रस्तावों पर मोहर लगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी 4 बिंदु स्वीकृत किए गए हैं और इसके तहत भागीरथी में विकास कार्य और आगरा मथुरा प्रयागराज में हेलीपैड का विकास होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ में रमाबाई स्थल में हेलीपैड स्थल भी बनाए जाएंगे। इसकी मदद से राजधानी दिल्ली में प्राइवेट लैंडिंग हो सकेगी, तो वहीं लोक निर्माण विभाग पुखराया बिंदकी राजमार्ग का चौरीकरण किया जाएगा। निर्णय लिया गया है कि 42 किलोमीटर के राजमार्ग को 1,136.45 करोड़ की लागत से PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ओपन अनुभाग में एक विशेष काम था ये कि अभी तक आप देखते थे कि जो पदनाम था, पहले अनुसचिव, उप सचिव, फिर धीरे धीरे सचिव हुआ, फिर प्रमुख सचिव हुआ, अब वहां पर अपर मुख्य सचिव का पद भी है और उस पद काफी समय से लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अपर मुख्य सचिव जो है वो गोपन अनुभाग ने आज प्रस्ताव दिया, उस पर हम लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा होमगार्ड्स अनुभाग में, होमगार्ड के जो पहले जो हमारे अधिकारी हैं उनको इंसास राइफलें दी जा चुकी हैं, ट्रेनिंग काम कर रहे हैं, कुछ अधिकारियों को पिस्टल दी गई थी और अभी 153 पिस्टल को खरीदने का प्रस्ताव होमगार्ड अनुभाग ने दिया अधिकारियों